ये हो गया सिंगदाना का चटनी का रेसिपी। सबसे पहले सिंगदाना को मैं भून के छील दिया। अभी लहसुन मिर्ची को फ्राई, इसके लिए थोड़ा तेल लेंगे, तेल कोई भी यूज कर सकते हैं। तेल को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम जो लहसुन छील के रखे उसको डाल देंगे। इसको फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम होने के लिए जब हल्का फ्राई हो गया तब थोड़ा सा मिर्ची डाल देंगे, 4-10 मिर्ची शीशा का हिसाब से, उसको भी हम भून लेंगे। आपको सिंगदाना को पहले हम भून के छील लिए बिना तेल के, अभी भून तो हो गया तब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद थोड़ा ठंडा होने दिए, फिर हम ले लिए मिक्सर, मिक्सर में थोड़ा जीरा डाल देंगे, हरा धनिया और फ्राई किया मिर्ची और लहसुन, थोड़ा हम इसको घुमा देंगे। देखिए हम इसको मिक्सर में घुमा दिए, अभी घुमाने के बाद इसको हम थोड़ा मिक्सा और फ्राई कर लेंगे। फिर वही हम सिंगदाना को लेके इसको मिक्सर में धीरे धीरे डाल देंगे, डाल के हम इसको मिक्सर को थोड़ा घुमा देंगे। देखिए हम इसको मिक्सर में घुमा दिए, हल्का हल्का अखा का है अभी, तब इसको लेके हम जो भुना हुआ है सब पूरा सब एक साथ डाल देंगे। फिर अपना नमक लेंगे, नमक अपना हिसाब से डालने का। मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा सिंगदाना का चटनी कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया। तो चटनी बनने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, बहुत टेस्टी बनता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। एकदम बन के रेडी हो गए।